18 दिन पहले शुरू हुए द इंडियन गैजेट अवार्ड्स 2020 का सफर आज मंजिल पर आ चुका है। आप सभी के फेवरेट टेक पब्लिकेशंस और यूट्यूबर्स को एक ही मंच पर लाकर 2020 के बेस्ट गैजेट्स को रिकॉग्नाइज कराने का हमारा ये आइडिया आप सभी को काफी पसंद भी आया और आज हम विनर्स की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं अपने उन सभी 30 साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने 22 कैटेगरी में विनर्स चुनने में हमारी मदद की। साथ ही साथ मैं अपने उन सभी यूजर्स को भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। एंड नाउ इज द टाइम वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर। लेट्स टेक अ लुक कि इंडियन गैजेट अवार्ड्स 2020 में किन गैजेट्स को यूजर्स और जूरी ने पसंद किया। शुरुआत करते हैं मोबाइल कैटेगरी से। इस सेगमेंट में हमारी सबसे पहली कैटेगरी थी बेस्ट बजट फोन ऑफ 2020 की और इस श्रेणी में कई धाकड़ फोन शामिल थे। रनर अप रहा रियलमी 7 प्रो, लेकिन पोको X2 के आगे सबकी चमक फीकी पड़ी और इस मॉडल को जूरी ने सबसे ज्यादा वोट किया। मोबाइल सेगमेंट में दूसरी कैटेगरी थी बेस्ट मिड रेंज फोन ऑफ 2020 की और ये सेगमेंट भी काफी कॉम्पिटेटिव रहा और यहाँ नंबर 1 का ताज OnePlus Nord के सर सजा। हालांकि बड़ी बैटरी और शानदार कैमरा वाले Samsung Galaxy M51 से उसे कड़ी टक्कर मिली, लेकिन OnePlus Nord का शानदार प्रोसेसर और 5G फीचर उसे कहीं आगे निकाल ले गया। मोबाइल सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं तो तीसरी कैटेगरी थी बेस्ट अफोर्डेबल फ्लैगशिप फोन ऑफ 2020 की और यहाँ भी टक्कर OnePlus और Samsung की थी और इस बार भी OnePlus ही जूरी की पसंद बना। OnePlus 8T फर्स्ट पोजीशन पाने में सफल रहा, जबकि सेकंड नंबर पर Samsung Galaxy S20 FE अपना स्थान बना पाया। मोबाइल कैमरा सेक्शन में भी कॉम्पिटिशन काफी जबरदस्त था। सबसे पहले हम यहाँ पर बेस्ट मिड रेंज कैमरा फोन ऑफ 2020 की बात कर लेते हैं और इसके लिए कुछ खास नॉमिनीज भी थे। वैसे तो ये सभी फोन्स अपने बेस्ट कैमरा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन Google Pixel 4a जूरी का भरोसा जीतने में सफल रहा। क्वाड कैमरा की भीड़ में पिक्सल का सिंगल कैमरा ही भारी पड़ा। रनर अप रहा Vivo V20 Pro। वहीं बेस्ट सेल्फी फोन ऑफ 2020 के सेगमेंट में कई बेहतरीन नॉमिनीज थे, लेकिन Vivo V20 Pro की सेल्फी जूरी को ज्यादा इंप्रेस कर गई और रनर अप बना एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स। बेस्ट कैमरा फोन ऑफ 2020 के सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स को सबसे ज्यादा पसंद किया गया, जबकि रनर अप का खिताब सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा को मिला। इस साल हमने बेस्ट गेमिंग फोन ऑफ द ईयर के लिए भी एक कैटेगरी रखी थी और इसके लिए भी नॉमिनीज जो थे वो काफी दमदार थे। आप खुद भी समझ सकते हैं कि विनर कौन हो सकता है। जी हाँ, Asus ROG Phone 3 को जूरी ने एक तरफा पसंद किया और इस सेगमेंट का ताज उसी के सर सजा। वहीं रनर अप रहा आईफोन 12 प्रो मैक्स। मोबाइल सेगमेंट में आखिरी कैटेगरी थी बेस्ट फोन ऑफ द ईयर 2020 की, जिसमें रनर अप और विनर दोनों एप्पल के फोन्स थे। विनर फोन था आईफोन 12 प्रो मैक्स और रनर अप रहा आईफोन 12। यहाँ खत्म होता है मोबाइल सेगमेंट और अब हम दूसरी कैटेगरी की ओर रुख कर लेते हैं। हमारी दूसरी कैटेगरी टीवी की थी और इसके तहत पहला अवार्ड था बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टीवी ऑफ 2020 का। इसमें OnePlus U1 मॉडल सिर्फ एक वोट से मी टीवी 4a से आगे निकल गया। टीवी सेगमेंट में दूसरा अवार्ड बेस्ट टीवी ऑफ 2020 का था और यहाँ सोनी A8H, LG GX, सोनी X900H और सैमसंग Q95T को नॉमिनेट किया गया था। कड़ी टक्कर थी बेस्ट टीवी के लिए और सोनी X900H के रनर अप होने के बावजूद जीत का खिताब LG GX ले गया। टीवी से आगे बढ़कर अब हम आते हैं लैपटॉप सेगमेंट पर और यहाँ पहली कैटेगरी थी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप ऑफ 2020 की और सभी जूरी मेंबर्स ने मी नोटबुक 14 ई लर्निंग एडिशन को बेस्ट चुना। वहीं रनर अप रहा लेनोवो आइडियापैड S340। इसके अलावा हमने बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ऑफ 2020 का भी एक सेगमेंट रखा था जिसमें कई धाकड़ नॉमिनीज को शामिल किया गया था। यहाँ भी जूरी मेंबर्स द्वारा Asus के Zephyrus G14 को ही बेस्ट गेमिंग लैपटॉप चुना गया और रनर अप रहा लेनोवो लीजन 7i। इस कैटेगरी में आखिरी अवार्ड बेस्ट लैपटॉप ऑफ 2020 चुनने का था। विनिंग लैपटॉप रहा एप्पल मैकबुक प्रो M1 और रनर अप रहा डेल XPS 15 9500। मोबाइल टीवी और लैपटॉप के बाद बारी थी वेयरेबल्स की। 2020 इस सेगमेंट को कई नई ऊंचाइयों पर ले गया और हमें कुछ नई इनोवेशंस भी देखने को मिली। इस सेगमेंट में हमने 4 अवार्ड्स रखे थे जिसमें पहला था बेस्ट बजट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स ऑफ 2020 का। काफी अच्छा लगा कि इस सेगमेंट में ओप्पो ने पहली बार ही कदम रखा और कामयाबी ओप्पो W51 को मिली। इसे बजट सेगमेंट का बेस्ट ईयरबड चुना गया और रनर अप रहा लाइपरटेक टेवी। वहीं दूसरा अवार्ड बेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स ऑफ 2020 को चुनने का था
और इसमें भी टक्कर काफी शानदार थी। लेकिन जूरी मेंबर्स की पसंद बना सेनहाइजर मोमेंटम ट्रू वायरलेस 2 और रनर अप रहा सोनी W1000XM3। 2020 में हमें काफी अच्छी अच्छी स्मार्ट वॉचेस भी देखने को मिली, इसलिए नेक्स्ट सेगमेंट था बेस्ट स्मार्ट वॉच ऑफ 2020 का। और यहां भी एप्पल अपनी बादशाहत साबित करने में सफल रहा। मेंबर्स द्वारा एप्पल वॉच सीरीज 6 को बेस्ट स्मार्ट वॉच चुना गया और रनर अप रही ओप्पो वॉच। वहीं वेरिएबल सेगमेंट में आखिरी अवार्ड बेस्ट फिटनेस ट्रैकर ऑफ 2020 चुनने का था और मी स्मार्ट बैंड 5 ये अवार्ड पाने में सफल रहा। इसके अलावा अमेज़फिट बीपीएस रनर अप रहा। इंडियन गैजेट अवार्ड्स में एसओसीज के लिए भी खास कैटेगरी थी और इसमें पहला अवार्ड था फ्लैगशिप मोबाइल एसओसी ऑफ 2020 का और इसके नॉमिनीज काफी स्ट्रांग थे। हालांकि वैसे तो पूरे साल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर की चर्चा रही, लेकिन बाजी एप्पल A14 बायोनिक के हाथ लगी। इसे साल का बेस्ट प्रोसेसर चुना गया और रनर अप रहा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस। वहीं मिड रेंज मोबाइल एसओसी ऑफ 2020 की भी एक कैटेगरी रखी गई थी जिसमें जूरी मेंबर्स को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G 5G प्रोसेसर ज्यादा पसंद आया और रनर अप रहा मीडियाटेक हीलियो G95। किसी भी फील्ड में अगर इनोवेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि हम हर साल इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए मोस्ट इनोवेटिव गैजेट का अवार्ड रखते हैं और इस साल भी ये अवार्ड शामिल था। इस कैटेगरी में विनर रहा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 और रनर अप का खिताब LG Wing को मिला। वहीं इस सेगमेंट में दूसरा अवार्ड था बेस्ट गैजेट ऑफ 2020 का जिसमें एप्पल मैकबुक एयर M1 अपनी काबिलियत साबित करने में सफल रहा, जबकि इस श्रेणी में सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 रनर अप रहा। अंत में हम बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े अवार्ड यानी ब्रांड ऑफ 2020 की और इसमें कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन इस साल ये अवार्ड एप्पल के नाम रहा। हालांकि यहां भी उसे सैमसंग से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन ये रेस एप्पल ने जीत ली। अब आपको इंतजार होगा यूजर्स चॉइस अवार्ड का, पर आप सभी जानते हैं कि इसमें दो कैटेगरीज रखी गई थी। पहली थी मोस्ट लव्ड फोन ब्रांड ऑफ 2020 और दूसरी मोस्ट पॉपुलर फोन ऑफ 2020। तो चलिए इन दोनों कैटेगरीज के नॉमिनीज पर नजर डाल लेते हैं। मोस्ट लव फोन ब्रांड ऑफ 2020 का विनर था सैमसंग, जबकि वन प्लस रनर अप रहा। वहीं मोस्ट पॉपुलर फोन ऑफ 2020 में वन प्लस नॉर्ड ने बाजी मारी और एप्पल आईफोन 12 रनर अप रहा। तो दोस्तों ये थे साल 2020 के कुछ बेस्ट गैजेट्स। इस साल हमें इनोवेशन के साथ साथ स्टाइल का एक शानदार कॉम्बिनेशन देखने मिला, लेकिन अब हम पुराने साल को अलविदा कर नए साल की ओर रुख कर चुके हैं। हालांकि इस साल कैसी टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी उसका आइडिया भी हमें लग चुका है। सो आई प्रोमिस यू कि आपके फेवरेट टेक पब्लिकेशन और यूट्यूबर के साथ मिलकर वील बी बैक विद अ बिगर एंड लाउडर इंडियन गैजेट अवार्ड्स। पर एनीवे, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमेशा की तरह ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेड़ा साइनिंग ऑफ।